जय माता की। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवा होम्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस बार कोई फ्लैट नहीं लेके आया हूँ, इस बार आपकी ऑन डिमांड। आप हमेशा मुझे कहते हो कि मुकेश भाई अच्छे अच्छे फ्लैट तो दिखाते हो, साथ में आपको जड़ से आप हमारे लिए मकान लेके आए, तो आज आपका भाई आपके लिए जड़ से, मतलब मैं इसको 3 मंजिल बोलूं या 2.5 मंजिल बोलूं वो आप डिसाइड कर लेना पूरी वीडियो देखने के बाद और विजिट करने के बाद। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन देखिए। फ्रंट एलिवेशन आप देखोगे बहुत अच्छा टाइल का काम करके दे रखा है और बहुत अच्छी वेंटिलेशन के साथ और बहुत ही जबरदस्त कनेक्टिविटी के साथ। ओवरव्यू बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि इतने कम बजट में इतनी अच्छी लोकेशन पे और इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी में शायद ही आपको कहीं इतना अच्छा प्राइस है। पूरा वीडियो एंड तक देखना है। ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। 15x30 का इसका जो 15 फीट का मत्था है, 30 फीट इसकी गहराई है और आप मान के चलिए 50 गज में आपको ये आपके सपनों का आशियाना मिलने वाला है। मैंने इसलिए बोला 2.5 या 3 मंजिल बनी हुई, क्योंकि अभी जब मैं देख के आया तो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से, मतलब आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, कोई रेनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। आप आएंगे अपनी फैमिली के साथ और इजीली यहाँ रह सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी ये जड़ से हम आपके लिए मकान लेके आते हैं उनमें लोन नहीं होता, तो आप इसका विशेष ध्यान रखना है। कॉल करना है जब आप, तो आप उसी हिसाब से प्लान करना क्योंकि इस पे लोन नहीं होता है। तो स्टार्ट करेंगे। कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ से जो वेस्ट मेट्रो स्टेशन है, आप मान के चलिए हार्डली यहाँ से आप मानकर 700 या 800 मीटर की दूरी पे होगा। मेन रोड की बात करूं तो वो यहाँ से 400 के आप 350 मीटर की दूरी आपको मिलने वाली है। और साथ में इसकी एक यूएसपी है कि यहाँ से आपको बिल्कुल नजदीक में पार्क, उत्तम नगर में पार्क मिल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको बिल्कुल पार्क की फैसिलिटी भी बिल्कुल नजदीक मिल जाती है। और इसकी एक खासियत यह है कि अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे की तरफ चलते हैं तो द्वारका, यानी कि जितने भी अमेनिटीज, अगर आप स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वो सब चीजें जो है आप वहां की अमेनिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत जबरदस्त। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना है, अपना शुरू करते हैं सफर यहीं से। सामने देखेंगे आप बिल्कुल मेन गेट इसका, काफी अच्छा फ्रंट निकल के आया है। 15 फुट का पूरा देखोगे आप, अपनी जो पार्किंग है वो इजिली आप यहाँ, चाहे अपना 2-व्हीलर है वो यहाँ बाहर पार्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया, गार्डनिंग वगैरह प्लांटिंग का पूरा कर रखा है। और हम चलते हैं अंदर की। अब जब अंदर की तरफ आते हो तो आप इसको या तो पार्किंग इस्तेमाल कर सकते हो या जैसे वॉशिंग मशीन यहाँ रखा हुआ है, पूरा टाइलिंग का काम करके दे रखा है, इस तरह से बहुत अच्छी स्पेस निकाल के रखा हुआ है। सामने आएंगे, पूरा टाइलिंग का काम यहाँ पे भी हो रखा है। अब एंटर करते हैं, सबसे पहला ये रूम आ जाता है। आप यहाँ देखोगे पूरा 6 फीट की हाइट तक पूरा वॉल टाइल का काम कर रखा है। ऊपर पीओपी का बहुत ही प्यारा सा काम है और वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो आपको मिल जाती है इतनी बड़ी, और रूम का साइज भी काफी बड़ा है। आप देख रहे हो कि सोफे की प्लेसमेंट करके दे रही है, एक बेड भी लगा हुआ है, उसके बाद भी काफी स्पेस है, आप अपना चल फिर सकते हैं। अब उससे थोड़ा सा आगे आए तो ये पूरा आपको एक स्पेस मिल जाता है, इन्होंने इस तरह से यूटिलाइज कर रखा है। आप चाहो तो एक छोटा यहाँ पे आप अपना जो डाइनिंग टेबल है उसे प्लेस कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे काफी अच्छा साइज देखिए इसका वॉशरूम का, और पूरी टाइलिंग आपको रूफ तक करके दे रही है जिससे कि सीपेज की जो प्रॉब्लम है आपको वो फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया हो गया, फ्रिज का अच्छा यूटिलाइजेशन इस स्पेस का कर रखा है। और किचन देखिए कितनी स्मार्ट एल टाइप की, बहुत ही स्पेशियस किचन आपको यहाँ मिल जाती है। पूरा टाइलिंग का काम करके दे रखा है यहाँ किचन पे भी, यानी कि हर जगह कहीं भी आप देखोगे पूरा टाइल वाला काम आपको मिलेगा। और फिर से एक बड़ा ही स्पेशियस रूम, आपको एक बेडरूम देखिए कितना बड़ा साइज है, और पूरे उस पर देखो पूरा ये वार्डरोब का काम हो रखा है पूरा, और लकड़ का नहीं इस बार मेटल की आपको यहाँ पर मिल जाती है। पूरा यहाँ पे भी टाइल का काम है, और पीछे देखेंगे वो भी पूरी हाइट तक, यानी कि इस घर में आपको सीलन वाली जो प्रॉब्लम है उससे कहीं दूर आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये रूम का साइज भी काफी बड़ा है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और जब मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ तो ये स्टेयरकेस आप देखोगे ऊपर की तरफ जा रही है, पूरा टाइलिंग का काम यहाँ पे हो रखा है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो बच्चे हैं। अब जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये स्पेस भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, यहाँ पे भी वेंटिलेशन दे रखी है कि अंधेरा ना हो, और जो भी आपको अपना इन्वर्टर हो गया, सिलेंडर्स वगैरह हो गए, या कुछ भी जो सामान है आप वहाँ इजीली रख सकते हैं। अब ऊपर आएंगे, यहाँ की फ्लोरिंग देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत स्मार्ट सी वुडन फिनिश पे आपको यहाँ फ्लोरिंग मिल जाती है। और फिर से सेम पैटर्न यहाँ पे आपको ऊपर आते हैं तो ये एक बेडरूम टाइप आपको यहाँ पे ये मिल गया, वेंटिलेशन प्रॉपर है पूरा, ऊपर आप देख सकते हैं पीओपी का काम, और यहाँ बालकनी आ जाती है। बालकनी में आप देखोगे या तो आप प्लांटिंग कर सकते हैं या वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी जहां से भी ऑपरेट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। फिर से बाहर आए,
इस स्पेस को आप जैसा चाहे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफी खाली स्पेस मिल रहा है और एक किचन आपको यहाँ पे भी पूरी तरीके से, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आपको आना है और बस अपना सामान लेके और शिफ्ट हो जाना है, कोई भी काम कराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया वो। और इस पूरी वॉल पे देखो, यहाँ पे भी आपको पूरी मेटल पूरा मेटल का वॉल टू वॉल ऊपर आप देखेंगे पूरा, वो कहीं भी यहाँ पे आपको सीलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं दिखेगी क्योंकि हर जगह टाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रखा है, 6-6 फीट 7-7 फीट और कई बार तो पूरी वॉल टू वॉल टाइल यहाँ मिल जाती है। तो एक सेट ये हो गया, एक हम नीचे देख चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने टॉप फ्लोर की ओर। ठीक है चले फिर से टॉप फ्लोर की तरफ जब आप आ रहे हो तो फिर से इसकी स्पेस को फिर से यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे हमारी फिर से विंडो आ गई, वेंटिलेशन जबरदस्त है, कनेक्टिविटी मैं आपको बता चुका हूँ और बजट बिल्कुल आपके हिसाब से है। और अब हम आ गए हैं टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे भी आप देखोगे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 2.5 मंजिल बोले या 3 मंजिल बोले, यहाँ पे भी आपको देखिए 2 रूम सामने मिल रहे हैं। इन्होंने इसको ये मंदिर रूम बना दिया, पूजा रूम और एक यहाँ पे बेडरूम टाइप भी आपको ये मिल जाता है। और ये पूरा स्पेस हमारा छत का है जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। देखिए धूप आ रही है इस टाइम तो धूप में बैठे हैं। और उधर भी आप देखोगे वॉशरूम, एक यहाँ बाथरूम निकाल दिया है और एक वॉशरूम यहाँ निकाल दिया है और यहाँ पे खड़े होने का स्पेस मिल गया। तो इतना जबरदस्त है, कनेक्टिविटी बता चुका हूँ, चाहे मटियाला रोड देख लो, मेट्रो स्टेशन आपका जो वेस्ट वाला है वो आपको नजदीक मिल जाता है। हाँ बोल, मेट्रो स्टेशन जो है वेस्ट वाला वो आपको नजदीक मिल जाता है। और जड़ से मकान, अगर आप लंबे समय से थोड़े कम बजट में अपना आशियाना ढूंढ रहे थे वो भी जड़ से, लेकिन आप ध्यान से समझने वाली बात है कि ये आपको क्या है, इसमें लोन नहीं होता है, हर बार मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप मुझे कॉल करेंगे आप अपने माइंड में जरूर ये रखना कि इसमें लोन नहीं होता और बजट बहुत अच्छा है। और लोकेशन बता चुका हूँ और इतना अच्छा हर चीज मेंटेन करके रखी हुई है, कहीं भी कोई सीपेज वाली प्रॉब्लम नहीं है। और इसके ऊपर आप देखोगे चाहे तो आप सीढ़ी लगा दोगे तो आप और छत पे जा सकते हो। तो ये था, आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो दिखाया, मैं भी जरा धूप में खड़ा हूँ आराम से, तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने दिखाया समझ आ गया होगा। और समझ नहीं भी आया तो भी आपने क्या करना है, भाई को कॉल करना है, विजिट करना है। फिर से मिलेंगे हम एक अच्छी सी वीडियो के साथ जहाँ मैं आपके लिए इसी तरीके का कोई प्यारा से जड़ से मकान लेके आऊंगा या सपनों का आशियाना कोई फ्लैट लेके आऊंगा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।